फ्रेंड्स वेलकम बैक वंस अगेन माय चैनल। तो यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक संवाद के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला है, वो किससे संबंधित है वो सब मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स ये जो संवाद है निकाला गया है जो कि अभी आशुलिपिकी और व्यक्तिक सहायक यानी पर्सनल असिस्टेंट के 158 पदों की जो भर्ती चल रही है उससे रिलेटेड ये संवाद है, ये कह लीजिए या फिर नोटिफिकेशन कह लीजिए। तो उसमें कहा गया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो परीक्षा की भर्तियां यानी कि फॉर्म चल रहे हैं 158 उनके अलावा जो लास्ट भरने की इनकी तिथि थी वो थी 14 सितंबर 2020 यानी कि जस्ट डे बिफोर यस्टरडे थी। ओके तो उसमें इन्होंने कहा है कि कई छात्रों द्वारा उन्हें मेल के आधार पर, पता नहीं ये मेल इनके कहाँ होते हैं कैसे, तो भगवान ही जाने, इनका तो एक बहाना होता है, हर बार एक संवाद निकाल ही देते हैं, बाकी ये संवाद असंवाद ज़्यादा लगता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो इन्होंने कहा है कि आयोग को ईमेल व दूरभाष के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें OTR भरने तथा ऑनलाइन शुल्क जमा करने में, आवेदन पत्र भरने में तकनीकी कारणों की कठिनाई आ रही है। भाई आपका सर्वर ही ऐसा है तो तकनीकी कारण कमियां तो अपने आप ही आ जाएंगी। उक्त कठिनाइयों के दृष्टिगत आयोग द्वारा उक्त दोनों आवेदन पत्रों को भरने एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि में चेंज हुआ है। वो अंतिम तिथि क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन जो आवेदन करने की तिथि पहले 14 सितंबर थी उसको बढ़ा के 24 सितंबर कर दी गई है। उसके अलावा जो फीस जमा करने की अंतिम तिथि है उसको 2 दिन एक्सटेंड करके यानी कि 26 सितंबर कर दी गई है। उसके आगे ये लिखते हैं कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उक्तानुसार अंतिम तिथियों के अंतर्गत अपना आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करेंगे। तो भाई साहब आप ऐसा करते ही क्यों हैं कि अपने सर्वर को इस तरह से, मतलब आप जितना ज़्यादा हो सके गरीब छात्रों से पैसा लूटो। तो यार यही इनका जो संवाद है, मैं तो इसको संवाद नहीं संवाद ज़्यादा बोलता हूँ कि उन्होंने कहा कि 14 सितंबर लास्ट डेट थी उसको बढ़ा के 24 सितंबर कर दी गई है फॉर्म भरने की और फी जमा करने की 26। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।